हेलो फ्रेंड्स, तो आज है आपका 9th नवंबर। तो यहाँ पे आज मैं पहले बोलूँगा कि आज का मार्केट क्या रहा है, मतलब पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो जैसे कि आज मार्केट कल का जो क्या है क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट ओपन हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल जो है ना 9:15 कैंडल, वही बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत सारा यहाँ पे सेल करके गया है लोग फर्स्ट कैंडल में। पता नहीं ये क्या सेल क्या है, लोग बहुत ही बड़ा कैंडल बना है फर्स्ट कैंडल में, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या हुआ है, आज तो थर्सडे है, तो मैं सोचा है एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि बहुत दिन से एक ही जगह में मार्केट रेंज बना हुआ था, ठीक है। और कल का दिन भी मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ से कब से 11 से लेके पूरा 1 बजे तक 2 बजे तक यहाँ पे मार्केट अपसाइड का रैली अपसाइड जा रहा था निफ्टी धीरे धीरे, ठीक है। तो जैसे वेडनेसडे को मार्केट क्या होता है, 11 के बाद मार्केट अपसाइड जाने लगता है या फिर डाउन साइड जाने लगता है धीरे धीरे, मतलब जिस साइड में मार्केट ट्रेंड करता है ना, उस साइड में क्या करते हैं, बहुत सारा सेलर्स उसका ऑपोजिट ट्रेड लेता है। तो सपोज़ यहाँ पे कल क्या हो रहा था, मार्केट धीरे धीरे करके अपसाइड जा रहा था, तो यहाँ पे बहुत सारा लोग क्या किया है, पुट शॉर्ट करके रखा हुआ था, ठीक है। तो क्या होगा, पुट शॉर्ट करेगा तो कौन सा पुट शॉर्ट करेगा, यहाँ पे मार्केट शॉर्ट करेगा वो लोग 400 का लेवल को शॉर्ट करेगा, नहीं तो 350 का, नहीं तो 300 का लेवल को शॉर्ट करेगा। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था आज कि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन या फिर गैप ओपन होगा भी, अगर गैप ओपन होगा तो 500 का ऊपर भी शॉर्ट किया होगा, बहुत सारा लोग कॉल शॉर्ट करेगा होगा। तो हम लोग क्या टारगेट कर सकते हैं, 19,500 एक राउंड नंबर है, तो यहाँ पे बहुत सारा वाई बिल्ड होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख, अगर मार्केट अपसाइड ओपन होता तो हम लोग एक अपसाइड का शॉर्ट कवरिंग देखते, ठीक है। लेकिन मार्केट ओपन हुआ है एकदम फ्लैट, ओपन होने के बाद फास्ट कैंडल रेड बनाया है। तो मैं सोचा कि आज तो इस लेवल को क्रॉस करेगा, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि बहुत दिन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 11 से लेके आज ना सॉरी 7 से लेके 9 तक एक ही जगह में मार्केट ट्रेड करता रहा है, मतलब 400 से लेके 450 ई लेवल पे ट्रेड करता रहा है मार्केट पूरा वीक, ठीक है। तो मार्केट उसके बाद क्या किया है, थोड़ा बहुत मोमेंटम किया है, यहाँ पे 2-3 कैंडल थोड़ा बड़ा बड़ा रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनाए हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस सीट हुआ है बहुत सारा लोगों का। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ है, कल का क्लोजिंग प्राइस के पास यहाँ पे टाइम बीतना लगा है। तो मैं सोचा यहाँ से क्यों ना एक कॉल शॉर्ट का ट्रेड ले लूँ। उसके बाद जैसे ये हैमर कैंडल बनाया ना यहाँ पे, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है पुट साइड के लिए। तो मैंने क्या किया है, इस रेड कैंडल पे जैसे ही इस हैमर कैंडल को क्रॉस किया है, यहाँ पे मैं पुट साइड में एक ट्रेड लिया है, ठीक है। तो मैं एक ही कैंडल में प्रॉफिट बुक करके निकल गया। उसके बाद देख सकते हैं धीरे धीरे करके मार्केट फिर से अपसाइड गया है, अपसाइड गया। लेकिन क्या किया है उसके बाद, एक डब्लू पैटर्न बनाया है यहाँ पे। डब्लू पैटर्न बनाने के बाद आज का जो 9:15 का जो फास्ट कैंडल है ना, इसको क्रॉस नहीं किया। इसको क्रॉस करने से पहले ही यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके डाउन साइड आने लगा है। अभी क्या हुआ है, बहुत लोग क्या करेगा, यहाँ पे जब मार्केट धीरे धीरे नीचे आने लगा है 19,450 का और 19,400 का लेवल को, बहुत सारे लोग शॉर्ट करके बैठा होगा। अभी मैं सेलर्स का प्रोस्पेक्ट से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग बायर्स है तो कैसे आप लोग देख सकते हैं बायर्स का व्यू, ठीक है। मैं हमेशा सेलर्स का प्रोस्पेक्टिव से बोलूँगा, क्योंकि सेलर्स मार्केट में पैसा देगा तभी तो बायर्स के पॉकेट में पैसा आएगा, ठीक है। तो अगर मार्केट कल सपोज फ्लैट ओपन हुआ है, ओपन होके मार्केट अगर यहाँ पे 5-10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के बाद अगर यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे नीचे आया है, ठीक है, 350 का लेवल के नीचे अगर यहाँ पे शॉर्ट कोई शॉर्ट साइन, मतलब क्या है आपका इन्वर्टेड हैमर को हो सकता है, जो भी है शॉर्ट पैटर्न बनाए, तो हम लोग डाउन सेट के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, ओके। और अप सेट के लिए तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे 450 से लेके 500 का लेवल तक आप वेट करना ही पड़ेगा। उसके पहले तो आप अपसेट का ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का, मैं बोला था मार्केट का ट्रेंड अभी चल रहा है नेगेटिव,
तो ट्रेंड जब नेगेटिव चल रहा है उसमें आप लोग अपसेट का मतलब कॉल साइड का ट्रेड लेके हम लोग हमेशा फंस जाएंगे। यहाँ पे मार्केट सेल आया, फिर से अपसेट गया, फिर से सेलिंग आया, अभी फिर से यहाँ पे कुछ सेलिंग आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार दो बार तीन बार, ठीक है, तीन बार यहाँ पे टच करेगा इस हम लोग अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे तीन बार इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने टच कर सकता है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ हो रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ तो एरर होगा, देखते हैं, रुकिए अभी मैं ब्रश ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक बार, उसके बाद दो, यहाँ पे तीन बार आकर मार्केट यहाँ पे टाइम बिता कि यहाँ पर ब्रेकडाउट करके तो अच्छा है, लेकिन जब तक इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा तो हम लोग अपसाइड का ट्रेड नहीं ले सकते, मतलब लॉन्ग टर्म में, लेकिन डे बेसिस में तो हम लोग इंट्राडे में तो ले सकते हैं ट्रेड, ठीक है। तो प्रेफर करूँगा कि आप लोग शॉर्ट पोजीशन में आप लोग थोड़ा प्रेफर करिए, क्योंकि मार्केट में कुछ नहीं बोल सकते आप, कॉल बायर सेलर सब आपका ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। हम लोग सब मतलब ऐसे बायर आप लोग को तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। तो कल के लिए यही बोलूँगा कि मार्केट को आप लोग देखिए, आप लोग पेशेंस से बैठिए, ठीक है। जब तक 350 के नीचे नहीं आएगा तब तक सेल का पोजिशन नहीं बनेगा, ओके। और अपसाइड अगर 500 का ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तो अपसाइड का ट्रेड नहीं बनेगा। तो ये रहेगा मेरा कल के लिए व्यू, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, कल अच्छे से ट्रेड लीजिए, मिलता हूँ कल फिर से रात को, थैंक यू गाइस।